हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इकोजेड। चलिए प्रीवियस सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज चल रहे हैं चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सन्निकटन या उपसाधन किसे कहते हैं? आंसर, बड़ी संख्याएं जो जटिल और भ्रमात्मक होती हैं उन्हें सरल और बुद्धिगम बनाने के लिए उन्हें उनकी निकटतम सरल संख्या के रूप में प्रदर्शित करना या व्यक्त करना सन्निकटन या उपसाधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी विभ्रम किसे कहते हैं? आंसर है, सांख्यिकी विभ्रम का तात्पर्य अशुद्धि या गलती से नहीं होता है, बल्कि सांख्यिकी विभ्रम से तात्पर्य वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर से होता है। अर्थात सांख्यिकी विभ्रम समांकों के वास्तविक मूल्य और अनुमानित मूल्य के अंतर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी विभ्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो सांख्यिकी विभ्रम 2 प्रकार के होते हैं, अभिनत विभ्रम और अनभिनत विभ्रम। क्वेश्चन है अगला, अभिनत और अनभिनत विभ्रम किसे कहते हैं? अभिनत विभ्रम उन विभ्रम को कहते हैं जो प्रगणकों या सूचकों के पक्षपात या माप यंत्रों के दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं और ये त्रुटियां एक ही दिशा में बढ़ती हुई होती हैं। इन्हें संचयी विभ्रम या अभिनत विभ्रम कहते हैं। दूसरा है अनभिनत विभ्रम। अनभिनत विभ्रम वे विभ्रम होते हैं जो किसी पक्षपात के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि प्रगणकों या सूचकों की असावधानी की वजह से या संयोगवश उत्पन्न होते हैं और इन्हें अनभिनत विभ्रम कहते हैं। ये दोनों ही दिशाओं में होते हैं और क्षतिपूर्वक त्रुटियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष विभ्रम का सूत्र दीजिए। आंसर है, निरपेक्ष विभ्रम ए ई एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ए माइनस ई, अर्थात वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मूल्य। अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष विभ्रम किसे कहते हैं? आंसर है, सापेक्ष विभ्रम बराबर ए माइनस ई अपॉन ई, अर्थात वास्तविक मूल्य माइनस अनुमानित मूल्य अपॉन अनुमानित मूल्य। हमारा अगला क्वेश्चन है सारणीयन और वर्गीकरण से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सारणीयन वर्गीकरण से। वर्गीकरण का पहला क्वेश्चन है, वर्गीकरण किसे कहते हैं? आंसर, वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के अनुसार समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण के उद्देश्य दीजिए। आंसर है, वर्गीकरण के उद्देश्य समांकों या संख्याओं को संक्षिप्त या सरल बनाना, दूसरा समानता व असमानता के आधार पर स्पष्ट करना, तीसरा तुलना करने में सहायक, चौथा तर्कपूर्ण व्यवस्था करना और पांचवा सारणीयन को आधार प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व क्या होने चाहिए? आंसर कुछ इस प्रकार से है, एक आदर्श वर्गीकरण के निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। पहला, वर्गीकरण व्यापक होना चाहिए। दूसरा, असंदिग्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, स्थिरता लिए होना चाहिए। चौथा, उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। पांचवा, इकाइयों में सजातीयता होनी चाहिए। और छठा, उद्देश्यों के अनुकूल एवं वर्गीकरण के आधार पर लचनशील होना चाहिए। नेक्स्ट है वर्गीकरण की रीतियों से। वर्गीकरण की रीतियां कितने प्रकार की हैं? आंसर है, दो। वर्गीकरण की रीतियां 2 प्रकार की है, गुणात्मक वर्गीकरण और संख्यात्मक वर्गीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ग विस्तार का सूत्र दीजिए। वर्ग विस्तार का सूत्र इस प्रकार से है, वर्ग विस्तार बराबर L2 माइनस L1, L2 वर्ग की ऊपरी सीमा और L1 वर्ग की निचली सीमा। अगला क्वेश्चन है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र दीजिए। आंसर है, मध्य बिंदु M बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, खंडित और अखंडित श्रेणियां किसे कहते हैं? आंसर कुछ इस प्रकार से है,
खंडिष्टनी खंडिष्टनी आवृत्ति वितरण वह वितरण होता है जिसमें चर मूल्यों के अनुसार आवृत्तियों का विन्यास किया जाता है और यह निश्चित होती है। अखंडित इसे ग्रुपिंग आवृत्ति खंडन भी कहते हैं और इसके अंतर्गत संख्याओं का विन्यास असीमित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुले सिरे वाली सारणियां क्या होती हैं? से कम और से अधिक वाली सारणियां जो होती है वह खुले सिरे वाली होती है जिसमें प्रथम वर्ग की निचली सीमा और अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा नहीं दी गई होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टर्टेज सूत्र क्या है? स्टर्टेज सूत्र है एल माइनस एस अपोन वन प्लस वन वन प्लस सॉरी स्टर्टेज सूत्र है एल माइनस एस अपोन वन प्लस 3.322 लोग एन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण किसका आधार है? आंसर है वर्गीकरण सारणियन का आधार है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण सारणियन का कौन सा पद है? तो वर्गीकरण सारणियन का प्रथम पद है क्योंकि वर्गीकरण करने के पश्चात ही सारणियन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के अनुसार और स्थान के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार किसे बांटा गया है? आंसर है समय स्थान और परिस्थिति के अनुसार सांख्यिकी श्रेणियों को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग सारणियन किसे कहते हैं? आंसर है सारणियन से तात्पर्य समांकों को खानों एवं पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध करना ही सारणियन कहलाता है और यह वर्गीकरण के नेक्स्ट किया जाता है। सारणियन के प्रकार बताइए। सारणियन के प्रकार कुछ इस प्रकार से हैं, सरल सारणियन और यांत्रिक सारणियन। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण और सारणियन में अंतर दीजिए। वर्गीकरण सारणियन में अंतर इस प्रकार से हैं, दोनों ही सांख्यिकी क्रियाएं हैं लेकिन वर्गीकरण में समांकों को संक्षिप्त एवं व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है जबकि सारणियन में समांकों को रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। अगला, वर्गीकरण में आंकड़ों या संख्याओं को वर्गीकृत किया जाता है उसके बाद वर्गीकरण पूरा किया जाता है जबकि सारणियन के लिए पहले वर्गीकरण करना आवश्यक है और उन्हीं वर्गीकृत इकाइयों को खानों और पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा, वर्गीकरण सांख्यिकी विश्लेषण की सरल विधि है वहीं सारणियन सांख्यिकी समांकों को प्रस्तुतीकरण की विधि है। वर्गीकरण में समांकों को वर्ग उपवर्गों में बांटा जा सकता है जबकि सारणियन में समांकों को प्रतिशत या अनुपात में तुलना करने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणियन के मुख्य भाग बताइए। आंसर है सारणियन के मुख्य भाग, पहला सारणी शीर्षक, दूसरा खानों एवं पंक्तियों के अनुशीर्षक, तीसरा रेखाएं खींचना तथा रिक्त स्थान छोड़ना, चौथा पदों की व्यवस्था, पांचवा टिप्पणियां, छठा उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य के अनुसार सारणी कितने प्रकार की होती है? उद्देश्य के अनुसार सारणियां दो प्रकार की होती हैं, सामान्य उद्देश्य वाली सारणियां और विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणियां। मौलिकता के आधार पर सारणियन के कितने प्रकार हैं? मौलिकता के आधार पर सारणियन के दो प्रकार हैं, मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरी व्युत्पन्न सारणी। तीसरा, रचना के आधार पर सारणी कितने प्रकार की है? रचना के आधार पर सारणियां निम्न प्रकार की है, सरल गुण वाली सारणियां, दूसरा जटिल गुण वाली सारणियां, जटिल गुण में द्विगुण वाली सारणियां और त्रिगुण वाली सारणियां और बहुगुण वाली सारणियां। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारे नेक्स्ट चैप्टर से और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है समांकों का प्रस्तुतीकरण एवं बिंदुमय प्रदर्शन। चलिए
डिस्कस कर लेते हैं समंकों का चित्रमय प्रदर्शन से और समंकों को वर्गीकृत एवं सारणीयन करने के पश्चात क्या किया जाता है। आंसर है समंकों को वर्गीकृत और सारणीयन करने के पश्चात उनको प्रस्तुतिकरण के लिए प्रदर्शित किया जाता है। और प्रस्तुतिकरण दो प्रकार से किया जा सकता है, चित्रमय प्रदर्शन या बिंदु रेखीय प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रमय प्रदर्शन के लाभ क्या है। आंसर है चित्रमय प्रदर्शन के लाभ समंकों को आकर्षक और प्रभावशाली बनाना, उन्हें सरल और बोधगम्य बनाना, समंकों के विशिष्ट अभिलक्षणों को स्पष्टीकृत करना, तुलना करने में सहायक करना, समय और श्रम की बचत करना, सूचना तथा मनोरंजन के साधन प्रस्तुत करना और सार्वभौमिक उपयोगिता। चित्रमय प्रदर्शन की तीन सीमाएं दीजिए। आंसर इस प्रकार से है चित्रमय प्रदर्शन की सीमाएं, पहला सीमित परिशुद्धता, दूसरा सीमित तुलनीयता और तीसरा अनुपयुक्तता। नेक्स्ट है किसी भी चित्र रचना के सामान्य नियम क्या है। आंसर किसी भी समंकों की चित्र रचना के सामान्य नियम इस प्रकार से हैं, पहला चित्र आकर्षक एवं शुद्ध होना चाहिए, दूसरा उपयुक्त आकार लिए होना चाहिए, न बहुत ज्यादा बड़ा और न ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, शीर्षक एवं अनुटिप्पणियां प्रदर्शित होनी चाहिए, उपयुक्त मापदंड होना चाहिए, चित्र व्यवस्थित पेंसिल पैमाना ज्यामिति उपकरणों की सहायता से खींचा जाना चाहिए, संकेत को लिखा जाना चाहिए, स्रोत चित्र के नीचे दे दिए जाने चाहिए, चित्र सरल और स्पष्ट होने चाहिए और चित्र बनाते समय समंकों के आधार पर उद्देश्यों के अनुसार उपयुक्त चित्र का चुनाव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रों के प्रकार क्या है। आंसर है चित्रों के प्रकार एक विमा चित्र, द्विविमा चित्र, त्रिविमा चित्र, चित्रलेख, मानचित्र एवं व्यावसायिक चित्र। एक विमा चित्र किसे कहते हैं। एक विमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऊंचाई। द्विविमा चित्र किसे कहते हैं। आंसर द्विविमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिन्हें बनाने में दो विस्तार का प्रयोग किया जाता है, जैसे लंबाई एवं चौड़ाई या लंबाई या ऊंचाई। तीसरा त्रिविमा चित्र किसे कहते हैं, जिसमें चित्रों को बनाने के लिए दो से अधिक विस्तारों का उपयोग किया जाता है, वे त्रिविमा चित्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक विमा चित्र के उदाहरण दीजिए। आंसर इस प्रकार से है एक विमा चित्र के उदाहरण रेखा चित्र, सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, अंतर्विभक्त दंड चित्र और प्रतिशत विभक्त दंड चित्र। नेक्स्ट है द्विविमा चित्र के उदाहरण दीजिए। आंसर है द्विविमा चित्र के उदाहरण आय चित्र, वर्ग चित्र और वृत्त चित्र। नेक्स्ट है त्रिविमा चित्र के उदाहरण दीजिए। आंसर है गन, गनाब, बैलन आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है औगी वक्र की सहायता से किसकी गणना की जाती है। आंसर है औगी वक्र की सहायता से मधिका की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोग्राम की सहायता से किसकी गणना की जाती है। आंसर है हिस्टोग्राम की सहायता से बहुलक की गणना की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु रेखा के अंतर्गत कितने क्वाड्रेंट या कितने चतुर्थांश होते हैं। आंसर है बिंदु रेखा चित्रमय प्रदर्शन के अंतर्गत क्वाड्रेंट या चतुर्थांश चार होते हैं, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस एक्स और माइनस वाई। नेक्स्ट है किन्हीं दो आवृत्ति बंटनों के रेखा चित्र के नाम बताइए। आंसर है आवृत्ति बहुभुज और दूसरा है आवृत्ति वक्र और अन्य में संचयी आवृत्ति वक्र। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है केंद्रीय मूल्य का माप किसे कहते हैं। तो आंसर है केंद्रीय मूल्य का माप माध्य को कहते हैं। माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप क्यों कहा जाता है। आंसर है
समंक माला के विस्तार के मध्य में स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श माध्य के तत्व दीजिए। आंसर है, आदर्श माध्य के तत्व, आदर्श माध्य स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए, सभी मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, सरल एवं बुद्धिगम्य होना चाहिए, निर्धारण की सरलता होनी चाहिए, प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए और उसका आसानी से या सरलता से बीजगणितीय विवेचन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी माध्य के प्रकार बताइए। आंसर है, सांख्यिकी माध्य के तीन प्रकार है, स्थिति संबंधी माध्य जिनमें बहुलक और मध्यिका को पढ़ा जाता है, दूसरा गणितीय संबंधी माध्य जिसमें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और द्विघाती माध्य को पढ़ा जाता है, और तीसरा व्यापारिक माध्य जिसमें चल माध्य, प्रगामी माध्य और संग्रथित माध्य को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुलक किस भाषा से लिया गया है? आंसर है, बहुलक या मोड फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है रीति रिवाज या फैशन। नेक्स्ट, बहुलक किसे कहते हैं? आंसर, समंक माला में सबसे अधिक बार आने वाला मूल्य जिसे सर्वाधिक घनत्व की स्थिति वाला मूल्य कहा जाता है वही बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट, बहुलक का निदान कितनी श्रेणियों में होता है? बहुलक का निदान तीन श्रेणियों में होता है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और तीसरा सतत श्रेणी। नेक्स्ट है, इन श्रेणियों में बहुलक का निदान किस प्रकार से किया जाता है? आंसर है, बहुलक के निदान में प्रथम श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण निरीक्षण मात्र से किया जा सकता है, अर्थात जो मूल्य सबसे अधिक बार आता है या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही पद मूल्य बहुलक होता है। खंडित श्रेणी में बहुलक के निर्धारण के लिए हमें फ्रीक्वेंसी देखनी होगी और जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उस फ्रीक्वेंसी के एक्स के अंतर्गत पद मूल्य का मान आपका बहुलक होता है। और तीसरा, सतत श्रेणी में बहुलक के निर्धारण के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सूत्र इस प्रकार से है, जेड बराबर एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। नेक्स्ट है, मध्यिका किसे कहते हैं? आंसर है, किसी भी समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है वह मध्य मूल्य ही मध्यिका कहलाता है। मध्यिका की गणना कितनी श्रेणियों में की जाती है? मध्यिका की गणना तीन श्रेणियों में की जाती है, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी। इनके क्वेश्चन और फॉर्मुलेज हमने आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करवाए हैं जो आपको इस सेशन के एंड होने के बाद मिल जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और कंटिन्यू इन गेस्ट पेपर को पढ़िए, और इनसे रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सके और आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? आंसर है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन मध्यिका के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, सममित वितरण में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक का संबंध किस प्रकार का होता है? आंसर है, सममित वितरण में समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट है, असममित वितरण में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक का संबंध किस प्रकार का होता है? आंसर है, असममित वितरण दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक असममित वितरण और ऋणात्मक असममित वितरण। धनात्मक असममित वितरण में समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा मध्यिका और उससे छोटा होगा बहुलक। और असममित वितरण ऋणात्मक में बहुलक सबसे बड़ा होगा, मध्यिका उससे छोटी होगी और समांतर माध्य सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट है, समांतर माध्य के दो दोष दीजिए। पहला, समांतर माध्य पर चर मूल्यों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, और दूसरा,
समांतर माध्य अप्रतिनिधि तथा अवास्तविक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है, समांतर माध्य दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और बारित समांतर माध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं? आंसर है, किसी समांक श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी उस श्रेणी में इकाइयां होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध दीजिए। संबंध इस प्रकार से हैं, AM सबसे अधिक होगा, उससे कम होगा GM और उससे कम होगा HM। नेक्स्ट है, गुणोत्तर माध्य के लाभ दीजिए। आंसर है, गुणोत्तर माध्य के लाभ, पहला, गुणोत्तर माध्य सुनिश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। दूसरा, इन पर चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है। तीसरा, संतुलन की स्थिति में होते हैं। और चौथा, अनुपातों व प्रतिशतों का माध्य आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पांचवा, प्रतिचयन उच्चावचन से कम प्रभावित होते हैं। और छठा, इनका बीजगणितीय विवेचन आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हरात्मक माध्य किसे कहते हैं? आंसर है, किसी समांक श्रेणी के मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मूल्य प्राप्त होता है वह समांतर माध्य कहलाता है। नेक्स्ट है, सममित बंटन में वक्र किस प्रकार का होता है? सममित बंटन में वक्र घंटी के आकार का होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक तीनों ही आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट है, असममित बंटन में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के संबंधों का सूत्र दीजिए। सूत्र इस प्रकार से हैं, जेड बराबर 3m-2x बार। नेक्स्ट है, किसी भी कंपनी की प्रारंभिक प्रगति की अगर तुलना करनी होती है तो कौन से माध्य को पढ़ा जाता है? आंसर है, व्यापारिक माध्य को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, यदि चलन गति, चलन वेग का अगर अध्ययन करना होता है तो कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है? आंसर है, हरात्मक माध्य। नेक्स्ट है, अनुपातों, प्रतिशतों एवं चक्रवर्ती दरों की औसत गणना किसके द्वारा की जाती है? आंसर है, गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट है, गुणात्मक प्रकृति के समांकों की गणना किसके द्वारा की जाती है? आंसर है, माध्यिका।